वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ शोभा माली। आज मैं ये डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। लास्ट एक साल से मेरे पास आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि शोभा माली आप कॉफ़ी लवर हो और बिल्कुल उसी तरह से कॉफ़ी मार्क्स कलेक्ट करने में भी बहुत शौक रखते हो, तो आपका जितने भी कॉफ़ी मार्क्स है सब इकट्ठा करके एक वीडियो बनाइए उसके लिए। तो मेरे व्लॉग चैनल में जितने भी मुझे रिक्वेस्ट आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड जो सारे वीडियोस आते हैं, तो वो मैं डेडिकेटेड बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ उसके बारे में थोड़ा कुछ। और अगर व्लॉग में बताने जाओ तो व्लॉग लंबा हो जाएगा या तो वीडियो बोरिंग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते। मैंने तीन हिस्से में बांट के रखा है। ये सारे जो बड़ा वाला हिस्सा है ये है लोकल शॉप से, और ये जो छोटा वाला चार पाँच आप देख रहे हैं ये है बाहर से, आउट ऑफ कंट्री। और ये जो सारे सामने हैं ये है होम सेंटर से। तो चलिए एक एक करके अभी आपको कॉफ़ी मार्क्स दिखाते हैं। तो कम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मग आप देख रहे हैं ये लाया गया है कनाडा से। ये करीब डेढ़ साल पहले, सॉरी एक साल तो यहाँ पे ही हो चुका है, तो ये करीब दो या ढाई साल पहले की है। और इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब ऐसे तीन सेट्स है, तीन पीसेस है ये, पर दो मैं यूज़ करती हूँ और एक अभी तक यूज़ नहीं करना पड़ा, तो इसलिए इसका जो लेवल है वो भी अभी तक रिमूव नहीं किया। तो ये आए हैं न्यूयॉर्क से और ये सारे मिथुन लाए हैं क्योंकि मुझे कॉफ़ी मग्स का बहुत शौक है, तो बाहर से भी मेरे लिए कॉफ़ी मग्स लाते हैं। एंड अभी मैं आपको दिखा दूँ ये सामने वाला जो ये है, और इसका जो प्राइस है ये प्राइस मैं आपको बोल सकती हूँ क्योंकि इसका अभी तक ये रिमूव नहीं हुआ प्राइस लिस्ट, $2.99 एक एक कप का। और इसका प्राइस मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुका है और इसका प्राइस भी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये जो सारे मग्स है ये काफ़ी हैवी है और बहुत बार मेरे हाथ से इतने कम डिस्टेंस में गिर भी चुके हैं, फिर भी अभी तक इसका कुछ नहीं, मतलब एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया, तो इसलिए ये अभी तक नया है पर मेरे हाथ से कई बार गिर चुके हैं। और चलिए अभी दिखाते हैं आपको ये होम सेंटर वाला मग्स की कलेक्शन। तो ये जो बड़े बड़े दो मग्स ये काफ़ी बड़ा है, तो ये दो मग्स मैंने लिए हैं, ये सेट मैंने लिए है होम सेंटर से, और एक एक का प्राइस यहाँ पे लिखा तो नहीं है पर एक एक का प्राइस मुझे जहाँ तक याद है 300 या 300 से थोड़ा ज़्यादा मुझे पड़ा था। ये मैंने तब लिया था जब इस फ्लैट में हमने शिफ्ट किए थे, तो उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें होम सेंटर से लिया था, तो तब ये दो चीज़ लिए थे। और इतने सारे सामान हमने एक साथ लिया था कि ये जो कप्स है ये हमें फ्री में मिला था, और ये भी काफ़ी अच्छा है, वाइट काफ़ी स्टाइलिश है, पर ऐसे तीन सेट्स एक सेट में दो कप्स है, तो ऐसे तीन सेट्स हमें मिला था। एक तो अभी तक ऐसे ही पैकेजिंग में है, ज़रूरत नहीं पड़ा तो इसलिए मैंने उसे पैकेट से बाहर भी नहीं निकाला, तो इसका प्राइस मैं ऐसे आपको नहीं बोल सकती। और ये जो प्रिंटेड आप देख रहे हैं ग्रीन एंड प्रॉपर, ये शायद प्रॉपर ग्रीन नहीं है, ग्रीन के साथ कुछ और भी कलर मिक्स है, आई डोंट नो, पर आपको अगर पता है इस कलर के बारे में तो मुझे ज़रूर लिख के भेजना। तो ग्रीन वाइट और थोड़ा सा ब्लूइश कलर है, बंगाली में शायद हम इसे तूते कलर बोलेंगे और उसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता तूते कलर को। तो इसके साथ और एक सेट था, और एक कप था, तो तीनों का एक सेट था जो हमें पड़ा था 500 रुपीज, तीनों एक साथ मिला के एक पैकेट के अंदर ये तीनों था। तो ये काफ़ी पतला है एंड इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का भी नहीं है, ओवन प्रूफ भी नहीं है, ये भी ओवन प्रूफ नहीं है, दिखने में इतना ठीक है पर ये भी ओवन प्रूफ नहीं है। बाकी ये ओवन प्रूफ है जो बाहर से हम लाए हैं, जो मैंने बोला कि मिथुन लाए थे। इसे अभी ट्राई नहीं किया मैंने कभी, पर देख के तो मुझे लगता है जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि ये ओवन प्रूफ है, अगर हम डाल सकते पर ये नहीं है। तो अभी हम आ जाते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ये मेरा अभी तक के लेटेस्ट मग है जो कि मैंने कुछ दिन पहले लिया था। तो ये मग वैसे मैं अपने चैनल पे शोभा माली अधिकारी चैनल पे मेरे जो विनर्स हैं उनको मैंने गिफ्ट भी की थी, तो ये मैंने अमेजन से गिफ्ट की थी, पर यहाँ के जो लोकल शॉप है वहाँ पे मैं जाके देख रही हूँ ये ऐसे ही मतलब मिल जाता है।
तो इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, 300 रुपीज एक एक का, एक एक कप 310 एक एक का, और ये लीड के साथ है, और लीड के साथ ये मेरा पहला कोई कॉफी मग है, एंड ये ओवन प्रूफ है शायद, यहाँ पे कुछ तो मेंशन ही किया गया, पर हो सकता है ये ओवन प्रूफ हो क्योंकि ये काफी ठीक है, पर इसका जो लीड है ये है प्लास्टिक का। उसके बाद ये दो मग्स, मुझे व्हाइट में एक्चुअली ज्यादा पसंद है मग्स, और मेरे पास जितने भी मग्स है ज्यादा से ज्यादा आपको व्हाइट मिलेगा, तो ये भी है लोकल शॉप से, और ये है परफेक्ट ओवन प्रूफ, और इसका प्राइस है 399 एक एक का। ये सेट में नहीं आता, ऐसे सिंगल सिंगल आते हैं, आप जितना चाहे ले सकते हैं, पर मेरे घर में हम कॉफी हम दो भी पीते हैं, तो जो भी लेती हूँ दो का सेट होता है, कभी कभार तीन का भी हो जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं इस सेट को, ये भी काफी अच्छा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अभी तक मैंने इसे यूज नहीं की, हो सकता है कि कल या परसों मैं इसे यूज करूं, जबकि निकाला है तो यूज जरूर कर लूंगी। ओ बाबा, एक तो वीडियो टा कोई नहीं। तो ये जो है इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, 105 रुपीज एक एक का, 105 रुपीज, पर दाम के हिसाब से ये काफी अच्छा है, पर इतना जो इनका प्राइस है मुझे नहीं लगता ये ओवन प्रूफ होगा, इसलिए मैं कभी ट्राई भी नहीं करूंगी, ये जरूर होगा। ओ बाबा, तुम एक लोग भांग बे, नो, और मेरा मेरा ये जो कप्स है ये मेरा अभी तक के सबसे फेवरेट कप्स है, जो कि मैं रेयर यूज करती हूँ, बहुत ही कम यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि ये कभी टूट ना जाए, ये तीनों, पर ये भी लोकल शॉप से, ये मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ तीनों ही, तो इसका प्राइस लिखा नहीं है, पर मुझे जहां तक याद है 350 से लेके 400 के बीच में इसका प्राइस है एक एक कप का, और अमेजिंग क्लासी कप है, अगर आपको सामने से मैं दिखाऊं तो आपको पता चलेगा, एंड मतलब इसका क्लासिक कुछ अलग है, कैमरा से भी ज्यादा, अगर सामने से आप इसे ऐसे हाथ में लेंगे तो आपको शायद कुछ आइडिया होगा कि इतना ये कितना अच्छा कप है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया, एक साल से इसे मैं यूज कर रही हूं, पर कभी कभार। और फिर आते हैं, ये तो आप मेरे ब्लॉग में हमेशा ही देखते हैं इस कप को, कि आजकल मैं इसे ज्यादा यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये एक एवरेज साइज का है, तो इसमें कॉफी या टी जो भी लेती हूँ वो ज्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता, तो इसका साइज बहुत अच्छा है, और इसका प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, वो भी 250 से 300 रुपए के अंदर है इसका एक एक का प्राइस, ये सारे सिंगल में सेल होते हैं, तो आपको जितना चाहे आप उतना क्वांटिटी में ले सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, पर ओवन प्रूफ नहीं है, एक मिथुन के लिए एक मेरे लिए, दोनों का दो टाइप के कलर लाई हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में रहे। एक्चुअली मुझे कॉफी मग्स का बहुत बहुत ज्यादा शौक है, इतने सारे कप्स तो हम दोनों ही बस यूज करते हैं, पर घुमा फिरा के इसमें यूज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितने सारे मग्स है जो अभी तक मैंने यूज नहीं की, पर मुझे अच्छा लगता है। ये कप्स भी, ये बहुत पुराने कप्स है, ये भी मैंने लिए है लोकल शॉप से, इसका भी प्राइस वही होगा 250 से 300 या 350 के अंदर होगा इसका प्राइस, एक एवरेज प्राइस है एक्चुअली इसका, पर ये कप्स अमेजिंग है, मतलब दाम के हिसाब से अमेजिंग मुझे चीज मिला है, इतना कम मैंने सोचा भी नहीं था। और उसके बाद आपको दिखाते हैं ये स्माइली कप्स, तो ये जो स्माइली कप्स है ये मेरे पास तीन है, तो यहाँ पे और नहीं आ रहा था तो इसलिए दो ही लेके आई हूँ, ये भी आपने कई बार देख चुके हैं मेरे ब्लॉग में, और जब ये नया नया मैंने यूज किया था आज से 1 से 1.5 साल पहले, तब बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि शोमली तुमने ये कहाँ से लिए, इसका जो शेप है ये बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने लोकल शॉप से लिए है, पर जो भी मैं लोकल शॉप से लेती हूँ ना बाद में अगर सर्च करती हूँ तो अमेजन फ्लिपकार्ट ये सब जगह में मिल ही जाता है, तो जो भी कप सबको अच्छा लगे तो आप उसे ही अमेजन या इसमें सर्च कर सकते हैं, ऐसे ही कप बोल के या कॉफी मग बोल के सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वैसे डिजाइन का, तो इसका भी प्राइस वही है, ठीक है,
एक एवरेज प्राइस का है ये, वही 250 से लेके 350 के अंदर का है, कुछ तो 310 या ऐसे, तो वह पुराने हैं इसलिए इतना याद नहीं है। तो इसका भी मैं प्राइस आपको बोल सकती हूँ क्योंकि ये भी मेरा नया पेयर है। तो ये भी जो कफ्स है ये भी काफी अच्छा है गाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छा, एंड आप इसके अंदर भी मतलब देख सकते हैं, मतलब कुछ चीजें होते हैं कि इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कैमरा के ऐसे कैमरा से, पर हाथ में लेके सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ जो मैंने स्पेन की है उसके लिए मुझे बराबर चीज मिला है। तो ये उनमें से एक है। तो इसका प्राइस है 225 एक एक का। ये ओवन प्रूफ है और ये जो मग है ये मेरे पास है चार, तो दो बस लाई हूँ और दो है मेरे पास। तो ये मेरा बहुत पुराने कप है, जो जब मैं इस ब्लॉग चैनल को जस्ट स्टार्ट किया था आज से 2-2.5 साल पहले की बात कर रही हूँ, शायद 2.5 साल हो गए मैं अपने ब्लॉग चैनल को स्टार्ट किया है, तो उस टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ, तो बहुत पहले का है और अभी तक तो इसका प्राइस भी मैं भूल चुकी हूँ। पर ये सारे यहाँ के मतलब आसपास के लोकल शॉप से है, एक शॉप से नहीं, लूलू से है, कुछ कुछ बिग मार्केट से है, मतलब ऐसे मिला जुला के। और फिर आते हैं ये ब्लैक मग से, ये तो आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा फेवरेट कॉफी मग था, अगर 2 दिन भी दे, 1 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, अगर 2 दिन भी इस कप को मैं यूज नहीं करती थी ना तो आपके कमेंट आते थे दी आपका वो ब्लैक वाला मग क्या टूट गए है कि तो आप उसे यूज क्यों नहीं करते, मतलब इतना ज्यादा क्रश था मेरे सारे पुराने व्यूअर्स को इस कप्स के ऊपर। तो बहुत लोगों को मैंने लिंक्स दी है, ये अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, पर ये एक्चुअली आर्टिस्ट का है, तो इसका प्राइस भी एक्चुअली मैं भूल चुकी हूँ, तो इसलिए आइडिया अंदाजा में भी मैं कोई प्राइस नहीं बोल सकती, पर काफी अच्छा खासा प्राइस है इसका एक एक का, इतना मुझे याद है। पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये अगर आप थोड़ी टाइम लगाते हैं ना कॉफी पीने में, तो इसका ये जो हैंडल है यहाँ पे जो पकड़ के आप कॉफी पियेंगे ये हैंडल भी गर्म हो जाते हैं, और इतना गर्म हो जाते हैं कि आप पी नहीं पाएंगे, पर ये स्टील का नहीं है, ये ऐसे सिरेमिक का है, फिर भी ये गर्म हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है इसे कॉफी पीना, आजकल मैं इसे यूज नहीं करती। उसके बाद हम चलते हैं इसमें, इसमें सबसे अच्छा लगता है पीने में ग्रीन टी या तो ब्लैक टी, और बाहर से जब ट्रांसपेरेंट है ग्लास का है तो बाहर से जब दिखता है ना तो लगता नहीं कि इसे मैं पी के पूरा खत्म कर दूं, ये ऐसा ही रहे, तो ये मुझे बहुत पसंद है। पर इतना बड़ा है कि आप इसे सूप कप के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। इसका भी प्राइस काफी अच्छा है, पर दाम नहीं बोलूंगी क्योंकि कितना लिया था मुझे कोई आइडिया भी नहीं है, पर इतना याद है कि काफी अच्छा प्राइस लिया था एक एक का। तो ये भी मेरे पास 3 है ग्लास का, मेरे पास अभी तक के बस 3 ही है। और ये जो कप से ये भी मेरा काफी पुराना है, इसका प्राइस भी वही 150 से 200 के अंदर कुछ लिया था, इतना तो मुझे याद है, ये भी काफी पुराना है। और ये भी बहुत दिनों से मैंने यूज भी नहीं किया है और माइक्रोवेव प्रूफ तो नहीं है, एंड पर हाँ जो भी मेरे पास है उसे मैं बहुत ही संभाल के रखती हूँ, इसलिए पुराने से पुराने मग्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो गाइस ये है मेरा टोटल कॉफी मग कलेक्शन, एंड इसके अलावा मेरे पास और कोई नहीं है, और 2 स्टील के कप शायद पड़े हैं वहाँ पे, वो मैं नहीं ला सकती क्योंकि जो यहाँ पे नहीं आएगा, पूरा जो कॉफी टेबल है ये बिल्कुल कवर हो चुका है ऑलरेडी। तो आई होप कि आपने बहुत दिनों से मेरे कॉफी मग्स देखना चाहा, और अगर इन फ्यूचर मैं और भी कुछ लेती हूँ तो लूंगी तो जरूर, तो वो मैं सिंगल आपको ब्लॉग में ही दिखा दूंगी। तो ये आपने ऑलरेडी देख लिया है और वो मैं आपको लेते ही आपको दिखा दूंगी, तो इसलिए और एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। तो जो भी आपका रिक्वेस्ट है ना मेरे बारे में, मेरे चीजों के कौन सा चीज के बारे में आपको जानना है क्या है उसके बारे में, अगर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, तो उसके बारे में एक एक सिंगल चीज मैं आपको बता सकती हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये सारे मार्क्स ऐसा नहीं कि मुझे ही मिला है, आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आप मेरे एरिया में नहीं रहते, अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको अमेजन में ये आराम से मिल जाएगा, इससे भी बढ़िया बढ़िया डिजाइन आपको मिल जाएगा, मैंने देखा है। पर अमेजन से मैं बहुत ही कम लेती हूँ कॉफी मार्क्स, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता कि मैं मार्क्स लूँ, पर
जब भी मैं कहीं शॉप में जाती हूँ तो वहां पे कुछ और खरीदने जाती हूँ, मग्स देखती हूँ नया लेटेस्ट कलेक्शन आता है। अब तो वो लोग बोलना भी शुरू किया है कि मैडम आप ऊपर जाइए वहां पे कुछ नया कलेक्शन आए हैं। मिथुन बोल रहे हैं अरे भाई क्यों, मैडम ने पूछा है तो आप क्यों ऊपर जाने के लिए बोल रहे हो। तो इस लेवल पे मैं चली गई हूँ कि अभी मुझे मुझे मैं अगर उस शॉप में जाती हूँ तो मुझे कॉफी मग्स का नया कलेक्शन आता है तो मुझे उनके वो वाला स्टोर में भेज देते हैं। तो आगे जो भी लूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके जरूर बोलना इनमें से कौन सा मग आपको ज्यादा पसंद आया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।